हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम जैप के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी के चैप्टर 20 उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, राइट। तो इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ है उसके बारे में काफी चीजें हैं हम जो है पिछले सेशन में देख चुके हैं। वी विल बी कंटिन्यूइंग द डिस्कशन ऑन दैट, बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब मे एग्जाम 2024, देन द बेस्ट वे टू क्वालिफाई इज कि आपको कोई ना कोई जो है हेल्प करे इस चीज में, राइट। तो हियर वी हैव कम अप विद द जैब कंप्लीट मास्टर कोर्स, जहां पर आपको इस मास्टर कोर्स को एनरोल करते हुए यू विल बी सीइंग कि यहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलोंग विद ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट साथ के साथ आपको जो है लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं, एंड एवरी चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वेरी क्रिस्प एंड प्रॉपर नोट्स जो कि आप रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अवेल, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और अगर आप अभी इस चीज को अवेल कर रहे हो तो यू कैन यूज द कोड JAB85, जिससे आपको 85% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ईच एंड एवरी कोर्स हियर। ओके, सो अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेल करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। लेट से आपका AFM हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स बचे हुए, तो यू कैन डू दैट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। दोस्तों ऑल द बेस्ट, राइट। यहाँ पर हम कुछ चीजें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रिलेटेड देख चुके हैं, वी विल बी हैविंग अ लुक एट द रेस्ट। हम ये देखेंगे इस सेशन में कि किस तरीके से जो सेकेंड फेज ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलपमेंट है उसमें क्या हुआ था। तो क्या है ये फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? तो सबसे पहला फेज है हमारा ब्रिटिश टाइम का, 1947 से पहले, जब हमें आजादी नहीं मिली थी। तो उस समय हमने देखा था कि फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश किया गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1947 से 1991 के बीच का जो है वो सेकेंड फेज है। सो दिस इज द कह सकते हैं सबसे ज्यादा डेवलपमेंट्स अगर हुए हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, लार्ज डेवलपमेंट्स, तो वो इस समय के बीच में हुए हैं। तो ये लार्ज डेवलपमेंट्स 1991 तक हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज 1991 में इंडिया में फाइनेंशियल एक क्राइसिस आई थी, जिसके वजह से काफी चेंजेस फिर से आए हैं, अगेन मेजर चेंजेस हैव कम। बट फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, LIC नेशनलाइज हुआ, बैंक के कई रिफॉर्म्स हुए, वी विल सी दैट। ये सेकेंड फेज जो है इस सेशन में हम देखेंगे, राइट। थर्ड फेज में क्या होता है? 1991 टू 2010, 2010 में अगेन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उससे पहले हमने काफी सारे बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेकर आ गए थे। फाइनेंशियल क्राइसिस जो इंडिया में हुआ था उसकी वजह से वी हैड टू गो टू IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसने ये कहा कि अगर आप LPG रिफॉर्म्स लाते हो देन ओनली वी आर गोइंग टू गिव यू मनी। तो हमने लेकर आ गए, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड इस समय पर नरसिम्हन कमेटी के कई सारे जो है रिकमेंडेशन दिए गए थे, जिसके बेसिस पर इंडियन इकोनॉमी को आगे चलाया गया था कि ऐसा इश्यू फिर से ना आए। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2010 में आया था, उसके रीजंस और उससे कैसे कोप अप किया गया, एंड ऑल विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन। फर्दर रिफॉर्म्स क्या थे वो भी हम देखेंगे, राइट। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो टाइम था 1947 से 1991, इस समय क्या हुआ था? सबसे पहली बात तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें एक प्लान्ड इकोनॉमी बनाना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। यानी कि इकोनॉमिक टर्म्स में तो हम ग्रो कर ही रहे हैं, इस चीज को हमें साथ लेकर चलना है सोशल जस्टिस, यानी कि पीपल जो है सभी को इस ग्रोथ के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सभी को प्रोवाइड हो इन एन इक्विटेबल मैनर। ये चीज ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर आए 1951 में, प्लीज रिमेम्बर दिस, इम्पोर्टेंट है ये। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद धीरे धीरे हम जो है ईच एंड एवरी 5 ईयर प्लान में एक ना एक सेक्टर पर फोकस करके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 ईयर प्लान पर हमारा फोकस था एग्रीकल्चर पे, तो किसी एक ना एक सेक्टर पर फोकस करके वी वर मूविंग अहेड, ठीक है। तो सेकंड थिंग दैट हैपेंड व्हिच वाज अ वेरी मेजर थिंग वाज द नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो इससे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, तो प्लीज पे अटेंशन हियर। 1948 में RBI को नेशनलाइज कर दिया गया। इससे पहले वी हैव सीन कि RBI 1935 में एस्टैब्लिश किया जाता है एज अ प्राइवेट एंटिटी, राइट। देन 1955 में SBI वाज नेशनलाइज्ड, ओके, SBI वाज एस्टैब्लिश्ड वी कैन से। तो जो उससे पहले के बैंक्स थे उनको हटाकर SBI को लाया गया 1955 जुलाई 1 को, ठीक है। अब कई सारे बैंक्स को एक्चुअली नेशनलाइज किया गया, यानी कि ये सारे प्राइवेट एंटिटीज थे।
दे वर कन्वर्टेड इनटू पब्लिक एंटिटी, जहां पर गवर्नमेंट ने उन्हें उनका स्टेक जो है बाय कर लिया. तो विच बैंक्स वर दीज एंड कब ये नेशनलाइजेशन हुआ? दो बार हुआ एक्चुअली, 1969 एंड 1980 को. ठीक है, तो इन 2 सालों में नेशनलाइजेशन हुआ. एंड लेट मी टेल यू, 1969 से पहले कई सारे प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट एंड आरबीआई जो है लाइसेंस देती थी, बट दे स्टॉप्ड गिविंग लाइसेंस आफ्टर 1969 इन इंडिया. ठीक है, फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, राइट? तो वो भी हम देखेंगे. तो 1969 में ऐसा क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, कितने बैंक्स का? 14 बैंक्स का. और ये सारे बैंक्स का क्राइटेरिया क्या था? ये सारे प्राइवेट बैंक्स थे एक तो. दूसरी बात ये कि ये जो बैंक्स हैं, इन का जो डिपॉजिट्स हैं इनके पास, वो डिपॉजिट शुड बी ₹50 करोड़ से ज्यादा. ये क्राइटेरिया था. अगर ये हो रहा था, ओके, इन्हें नेशनलाइज कर दो इस तरीके से. तो विच बैंक्स दीज वर, तो ये बैंक्स के नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं. इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, देना बैंक. ठीक है, तो ये सारे जो 14 बैंक है, दीज वर नेशनलाइज. 1980 में और 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया. और अगेन, ये सारे बैंक्स भी प्राइवेट एंटिटीज थे, और इनका जो डिपॉजिट है वो 200 करोड़ से ज्यादा हो रहा था, देन उन्हें नेशनलाइज किया जा रहा था. विच वर दीज? आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये सारे नेशनलाइज किए गए बिकॉज इनकी लेंडिंग और बेटर करने के लिए, और इसके साथ में कई सारे इश्यूज हुए थे. 1956 में वी हैव सीन कि LIC को नेशनलाइज किया गया. अराउंड 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके LIC को बनाया गया, और ये नेशनलाइज्ड एज अ पब्लिक एंटिटी एस्टैब्लिश किया जाता है. देन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को 1972 में नेशनलाइज किया जाता है. तो लाइफ इंश्योरेंस तो हो गया, जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड भी कॉर्पोरेशन लाया जाता है. तो 55 प्राइवेट जो जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड एंटिटीज थे एंड 4 पब्लिक एंटिटीज को एक साथ लाया जाता है. एंड दे वर मेड इनटू जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1972. अब और बैंक रिफॉर्म्स क्या, आरबीआई नए नए इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने का काम करता है या फिर हेल्प करता है, लाइक IDBI को 1964 में, नाबार्ड और एग्जिम बैंक को एस्टैब्लिश करता है 1982 में, नेशनल हाउसिंग बोर्ड को एस्टैब्लिश करता है 1988 में, एंड SIDBI को 1990 में. ओके, नाउ रीजनल रूरल बैंक्स को 1975 में लाया गया, एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को भी एस्टैब्लिश किया गया. तो जो भी आप बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं उसके पीछे आपका इंश्योरेंस रहता है. ठीक है, तो रिमेम्बर दैट. तो ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इस को एस्टैब्लिश करने में काफी ज्यादा हेल्प आरबीआई ने की थी. तो इस कितना डिपॉजिट रहता है, तो इनिशियली जब एस्टैब्लिश किया गया, लेट से ये आपका अकाउंट है, ठीक है, जो मनी आपने डिपॉजिट किया है उसके पीछे 1 लाख रुपए का डिपॉजिट होता है. ओके, पर डिपॉजिट कस्टमर. बट आज के डेट में ये बढ़ा दिया गया है, एंड कितना कर दिया गया है, इफ यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, दैट वुड बी रियली, इन द कमेंट सेक्शन, दैट वुड बी रियली ग्रेट. देन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उन्हें एस्टैब्लिश किया जा रहा था. फर्स्ट वन वॉज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, 1948 में, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1951 में, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल के स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया. ICICI लिमिटेड को 1955 में एस्टैब्लिश किया गया, और इसका मेन एम था कि जो काम बाकी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं कर रहे थे उस समय. तो जनरली आई होप यू नो, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स देने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि नॉर्मली बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं देते हैं, हिचकिचाते हैं, दे डू नॉट वॉन्ट टू गिव, बिकॉज लॉन्ग टर्म लोन्स ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म है, आपको प्रॉफिट बाद में होने वाला है, उस लोन्स पे लॉस भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो ICICI एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन स्पेशल फोकस इसका था अंडर राइटिंग पे. ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे और अपने शेयर्स इश्यू कर रहे थे, तो वो शेयर्स पर कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स को आए, इस चीज से रिलेटेड अंडर राइटिंग की जाती है. तो वो अंडर राइटिंग जो है ICICI के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि इससे पहले जो DFIs या फिर बैंक्स और बाकी एंटिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक से अंडर राइटिंग नहीं कर पा रहे थे. फॉरेन करेंसी को चैनलाइज करना, ये सारी चीजें जो है की गई, राइट? नाउ इफ वी सी, म्यूचुअल फंड्स के सेक्टर को भी डेवलप किया गया, और इंडिया में गवर्नमेंट एंटिटी को एस्टैब्लिश किया गया, विच इज कॉल्ड द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI, 1963 में, और ये एक एक्ट के तहत आरबीआई के अंडर किया गया. IDBI 1978 में,
जो है इसका पूरा का पूरा स्टेक अपने अंडर ले लेता है आरबीआई से। ठीक है, फर्स्ट स्कीम जो ये लेकर आता है यूनिट स्कीम 1964 में। बीएससी सेंसेक्स को भी लाया गया 1986 में, टॉप 100 शेयर्स को यहाँ पर लिस्ट किया गया। राइट, तो आई होप यू एंजॉयड गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। तो अब हम इस सेशन में ये जो क्वेश्चन है इसे आंसर करते हैं। मई में ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है इन द एक्चुअल एग्जाम। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक वाज नॉट नेशनलाइज्ड इन 1969 इन इंडिया। ठीक है, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आ जाए एग्जाम में तो यू शुड एटलीस्ट रिमेंबर द सिक्स बैंक जो नेशनलाइज किए गए हैं 1980। ठीक है, तो आंध्रा बैंक वॉज वन ऑफ देम, दैट इज वाई 1969 में इसे नेशनलाइज नहीं किया गया, 1980 में किया गया। सो सी इज द राइट आंसर हियर। Now this is a homework question for you. देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है and who are our top three people who give the right answer here. How much was the minimum deposit of banks that were nationalized in 1969? Nationalization जिनका किया गया था 1969 में, तो उनका minimum deposit कितना होना था? ठीक है, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ या 200 करोड़? Please do let me know in the comment section. देखते हैं कौन हमारे top three बनते हैं for the next session. Right, if you have any other queries you can always call us on 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर आप अपना query भेज सकते हैं। If you are liking this session you can just let us know in the comment section. All the best for your preparation. Thank you. Jai.